मध्य प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और मौसम विभाग ने 8 जिलों में मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिनों में सभी जिलों में बारिश होनी शुरू हो जाएगी। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि जून माह के अंतिम दिन तक पूरा मध्य प्रदेश बारिश में डूब जाएगा। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि जुलाई माह में भारी बारिश को देखते हुए एमपी के कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी हो सकता है। मध्य प्रदेश के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने बताया कि 24 जून को मध्य प्रदेश के 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इनमें बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार जिले शामिल है। इसके अलावा सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, पांडुरना जिले में भी ऑरेंज अलर्ट पर रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों में सभी जिलों में बारिश होगी। ऑरेंज अलर्ट का मतलब साफ है कि इन जिलों में भारी बारिश की पूरी संभावना है। इसके अलावा एमपी के अधिकांश जिले येलो अलर्ट जारी हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने बताया कि इस साल पिछले साल की तुलना में 4 से 6% अधिक बारिश होने की संभावना है। अभी तक तेज हवाओं की वजह से मानसून मध्य प्रदेश में प्रवेश करने से रुका हुआ था, मगर एमपी में मानसून की दस्तक देने के बाद से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से 4 प्रकार के कलर कोड जारी करते हुए अलर्ट किया जाता है। यदि रेड अलर्ट किया जाता है तो यह सबसे भारी बारिश की चेतावनी का अलर्ट है। इसके बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है, जिसमें सतर्क रहने को कहा जाता है। इसके अलावा यदि येलो अलर्ट होता है, इसका मतलब है कि बारिश पर निगरानी रखने की आवश्यकता है। यदि ग्रीन अलर्ट जारी किया जाता है तो इसका मतलब है कि किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं है।